मैं अभी क्वारंटाइन में हूं। सुनकर थोड़ा आश्चर्य लग रहा होगा, जो प्रतिदिन अपने नियमित कार्यों में मैं लगा रहता था, आज मुझे क्वारंटाइन होना पड़ा। आप सबको मालूम है, हमारे कैबिनेट मंत्री और हमारे माननीय विधायक कोरोना पॉजिटिव पाए गए, और इनकी मुलाकात हमसे भी हुई है और भी लोगों से हुई है, और एहतियातन के तौर पर मैं अभी क्वारंटाइन में हूँ। चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत जल्द ये भी परेशानी खत्म हो जाएगी। आप लोगों से यही गुजारिश होगी, संक्रमण अभी टला नहीं है, हम लोग बहुत ही बेहतर और सामंजस्य बनाते हुए इस संक्रमण से जंग लड़ रहे हैं। हमारे राज्यवासियों की सूझबूझ, सरकार के आदेशों का नियमित रूप से पालन करते हुए जो आप लोगों ने धैर्य दिखाया है, और आज उसका नतीजा है कि हम कोरोना को लेकर के राज्य में किसी भी तरीके का कोई अफरा तफरी नहीं। लेकिन विगत दिनों से लॉकडाउन खोलने की प्रक्रिया भारत सरकार ने प्रारंभ कर दी, और कई राज्यों से लोगों का आना जाना, व्यापारी साथियों का आना जाना, उद्योग धंधे और अर्थव्यवस्था को गति देने में लोग लगे हुए हैं, बेरोजगार लोग रोजगार तलाश करने में लगे हैं। इस संक्रमण में भी अपनी जान जोखिम कर देश को, राज्य को मजबूती देने में लगे हैं। मैं बहुत आज की इस परिस्थिति से अवगत हूँ, बहुत अच्छी तरीके से इस हालात को समझ रहा हूँ। कई चुनौतियों के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि जो चुनौती मेरे लिए है इस राज्य के बतौर मुख्यमंत्री होने की वजह से, अभी ये चुनौती सिर्फ मेरे लिए नहीं, सभी लोगों के लिए, आप सब के लिए भी व्यक्तिगत रूप से यह चुनौती। आज इस संक्रमण का कोई इलाज नहीं, इस संक्रमण का एक ही मात्र अभी मौजूदा इलाज है कि सरकार द्वारा दिए जा रहे निर्देशों का पालन करना, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, चेहरे पे मास्क लगाकर, हाथों को नियमित रूप से धोते हुए, इस तरीके के कई उपचार ही इस संक्रमण का अभी का मात्र उपाय है। और मैं उम्मीद नहीं, पूरा भरोसा भी कर रहा हूं कि आप सब लोग इसका पालन करते होंगे। आज शायद लोगों की तकलीफ और लोगों की समस्या देखकर मुझसे रहा नहीं जाता, और मैं लोगों के बीच अधिक इस कोरोना के संक्रमण के दौरान रहा। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन चूंकि इस संक्रमण का ना कोई चेहरा है ना कोई पहचान है, जो टूटी फूटी जानकारी है उसी के अनुरूप हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आज इस एहतियातन के तौर पर मैं कुछ दिनों के लिए क्वारंटाइन में रहूंगा, संभवतः मुलाकात नहीं हो पाएगी आप सभी लोगों से। आप लोगों की कोई समस्याएं होंगी, आपको पता है हमारा व्हाट्सएप फेसबुक सभी काम करते हैं, आप उसमें अपना संदेश डाल सकते हैं, पत्र लिख सकते हैं, और आपके समस्याओं को निश्चित रूप से हम गंभीरता से लेंगे, और हतोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है, हिम्मत से काम लेने की आवश्यकता है। आज इस संक्रमण से हम सबको मिलकर लड़ना है। आज इसलिए
मैं ये संदेश आप तक पहुंचा रहा हूं। काफी मीडिया में, अखबारों में, टीवी चैनलों में चल रहा है कि झारखंड के मुख्यमंत्री को कोरोना हुआ या तरह तरह के की अफवाहें उड़ रही हैं। उन अफवाहों को बिल्कुल और गति ना मिले, इसलिए मुझे यह संदेश आपके बीच में देना पड़ा कि ऐसे घबराने की आवश्यकता नहीं है और हम लोग निश्चित रूप से इन सब चीजों को भी ध्यान में रखते हुए आज मैं कुछ दिनों तक के लिए लोगों से मिलना जुलने पर मैंने रोक लगा रखी है और बहुत जल्द उम्मीद करते हैं हम लोग पुनः और बेहतर तरीके से मिलेंगे। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, अपने बाल बच्चों का ख्याल रखें, अपने बूढ़े बुजुर्गों का ख्याल रखें, अपने सहयोगियों का ख्याल रखें ताकि ये कोरोना और आगे ना बढ़ पाए। इन्हीं बातों के साथ सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद, जोहार।